हेलो गाइस, वेलकम टू हरीश फोटोग्राफी एंड गेमिंग। आज हम एडवांस थ्री टचिंग करके दिखाएंगे आपको। मिक्सर प्रोसेसर को आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको 23 या 26 या 58 रख लेना है या 93, ये मेन सेटिंग है। तो आप हम कैमरा वाम में चले जाते हैं कि आप सेटिंग चेक करें। आप सेटिंग पे डिपेंड नहीं करते, सेटिंग आप पे डिपेंड करती है। हाईलाइट शेडोज हम थोड़े से इसके ब्लैक्स वगैरह बढ़ा लेते हैं। तो अब हम इसकी रीटचिंग करेंगे, ये लाजमी किया करें ताकि रीटचिंग में इससे बहुत आसानी होती है। और वीडियो को आप पूरा वॉच किया करें। आप पूरा वॉच नहीं करते, जिसमें प्रीसेट्स वगैरह देता हूँ उस पर व्यूज़ अच्छे आते हैं, लोग वो लेके चले जाते हैं, वीडियो पूरी वॉच नहीं करते। तो हाई पास आप लाजमी लगाएं, कंट्रोल जे से लेयर बनाएं। 1.1 का मैं हाई पास लगा लेता हूँ इसमें। तो इसको लाइनें लेयर पर कर दिए इधर आके, और इसको फिर राइट क्लिक करके मर्ज कर देना लाजमी। कंट्रोल जे से लेयर बनती है, ये बात अब याद रखें। तो हम इसकी रीटचिंग करते हैं। बहुत भाई बोलते हैं रीटचिंग में हमारे को मसले आते हैं, काला हो जाता है आधा फेस, आधा ब्लैक, आधा वाइट। तो मैं उनके लिए यही कहूँगा कि आप लोग हाईलाइट्स को हाईलाइट्स में मिस करें और शेडोज में, और रीटचिंग से पहले हाईलाइट शेडोज थोड़े से बढ़ा लें। तो ये देखें, हाईलाइट्स को हाईलाइट्स में करें, शेडोज को ये, अगर आपकी पिक ज़्यादा काली है तो आप माथे से शुरू करें वरना आप नाक से शुरू करें। तो ये पिक ऐसी थी कि मैं उनको माथे से शुरू करनी पड़ी, हेड से। तो हम इसकी रीटचिंग देखें आप कितनी इजीली तरीके से आप कर सकते हैं। तो आपको अगर मेरा रीटचिंग फ़िल्टर चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसी वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, 1K सब्सक्राइबर हो गए फिर भी व्यू इतने नहीं आते। तो अगर 1K के बाद मैंने सोचा आपको एक फ़िल्टर दूंगा पर व्यूज़ ही नहीं आ रहे, उससे आप एक क्लिक में रीटचिंग कर सकते हैं। अब आपको ब्रश खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऐसे आप हाईलाइट शेडोज़ को करें। अभी मैं आपको पूरी वीडियो आप देखा करें आपको, ताकि एक एक चीज़ समझ में आए। तो ये देखें आप, यहाँ पे थोड़ा काला पन है, तो मैं इसको पहले यहाँ से ये देखें शेडोज़ को मैंने शेडोज़ में किया, ये हम कैमरा वहाँ से सेट कर लेंगे, और हाईलाइट्स को हाईलाइट्स में। तो अगर आपको एलियन स्किन के और प्रीसेट चाहिए, आजी न्यूटन वाले या मेरे अपने, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। ये देखें 2 मिनट लगे इसको रिटच होने में। ऐसे आप भी कर सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत ब्लैक रह गया तो वो हम सेट कर लेंगे। नो स्टोरी से ख़राब हो रही है या आखिरी में सेट कर लेंगे। ये सारा कैमरा वहाँ से सही हो जाता है, 2 मिनट लगते हैं इसको सही हो करने में। यहाँ पे हम गर्दन भी, ये देखें पूरी ब्लैक है, इसको भी हम सेट कर लेंगे कैमरा वहाँ से करेंगे यहाँ पे मेन। और ये बात याद रखें, सेटिंग आप पे डिपेंड नहीं करती, आप सेटिंग पे डिपेंड करते हैं। तो इसके यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रश लगा लेते हैं। इसको मैंने जूम किया है, कंट्रोल प्लस से जूम होगा ये। और फेस कैम मैंने एक वीडियो में किया था, अगर आपको और वीडियो में फेस कैम चाहिए बने, अगर वीडियो को आप पूरा वॉच किया करें, आप पूरा वॉच ही नहीं करते ये, ताकि आप कुछ अच्छा सीख लें। तो हम इसके हाथ पे ब्रश लगा देते हैं। देखें हमारा कितने 2 मिनट लगे हमारे को पूरा रीटच करने में। अगर लाइव फोटोशूट ब्लॉग बनाऊंगा मैं, आप उसमें देखना है, आपको क्लिक भी आपका जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी एडिट होगी। ऐसे नहीं कि आपने बस क्लिक कर लिया और कैमरा क्वालिटी भी अच्छी नहीं है वो एडिट करनी है आपको, आपको क्लिक पे भी डिपेंड करनी है। नो स्टोरेज ख़राब हो गई थी, ये मैं सेट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो इधर अभी हम कैमरा रॉ में जाते हैं। तो हम कैमरा फिल्टर खोल लेते हैं। यहाँ पे लोड हो रहा है, थोड़ा लोडिंग में टाइम लगता है मेरा, बहुत सारा डेटा पीसी में तभी। तो हाईलाइट्स थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं हम, एक एक चीज़ आप इलाज उलाज चेक करें जो आपकी पिक पे। देखें अभी हाईलाइट बढ़ाई, फेस कितना अच्छा शाइनिंग करने लगा। यहाँ पे हम वाइटनिंग, वाइट भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। वाइटनिंग आप पहले बढ़ाने तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपकी रीटचिंग में आसानी होगी। तो ब्लैक्स हम थोड़ा सा कम करें या बढ़ाते हैं, रुके हम चेक करते हैं। तो कम करने आप थोड़ा सा, और यहाँ पे आपको क्लियरिटी हिला जुला के चेक करनी है। तो क्लियरिटी अभी सही नहीं लग रही, मैं इसको थोड़ा सा सही करता हूँ। ये कलर्स हमने बढ़ा लिए हैं यहाँ पे, कलर्स आप इतने ही देखा करें हाथ उसके, वो आप कैमरा से खुद ही सेट कर लेंगे। तो ये थोड़ी सी मैं कम कर लेता हूँ, ये कुछ ज़्यादा ही हो गई, ये थोड़ी सी माइनस में रख लेंगे हम, ताकि ये अच्छी शाइनिंग पिक मिले हमारे को। तो ये प्लस में तो सही नहीं आ रही। तो अब हम इधर आ जाते हैं, इधर से हम इसकी थोड़ी सी शाइनिंग वगैरह पिक में ला सकते हैं इधर से। तो आप तो बिल्कुल ये देखें, ये मेन प्रोसेस है, ये कोई हर बंदा आपको नहीं दिखाएगा रीटचिंग के लिए। आपको ये प्रोसेस समझ आ गया ना, तो आप एक एडिटर बन चुके हैं।
मेरे हिसाब से तो, क्योंकि आप मेन चीज़ यही होती है। तो ये हमने सेट कर लिया, इधर हम आ जाते हैं कलर ग्रेडिंग की तरफ। कलर ग्रेडिंग हम ग्रीन को कम कर देते हैं थोड़ा सा, या पूरा ही कम कर देते हैं। रुको, नहीं इतना सही लग रहा है। तो येलो को हम पहले ऑरेंज कर लेते हैं, ऑरेंज बढ़ा लेते हैं। ऑरेंज और रेड फेस का कलर होता है, ये बात हमेशा याद रखें। ऑरेंज हम बढ़ा लेते हैं और रेड भी हम बढ़ा लेते हैं। और अगर आपको हेयर बनाने सीखने तो वो कमेंट में बता दें, मैं उसकी पूरी वीडियो बना दूंगा, उस पर भी ट्यूटोरियल ले आऊँगा मैं, पर आप वीडियो का पूरा वॉच करेगा। तो अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं। ये तीन ऑप्शन होते हैं, तीनों में से आप तीनों यूज़ किया करें। ये दो से रिटचिंग होती है। अब ये हम येलो पूरा यहाँ से निकाल देते हैं, ये ऑरेंज यहाँ पे भी है, इसको थोड़ा सा कम करना है। तो पहले हम ये ग्रीन बढ़ा लेते हैं, अब ये ऑरेंज थोड़ा सा कम कर देते हैं। ऑरेंज हमने कम कर दिया, रेड हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। रेड और ऑरेंज फेस का कलर होता है, ये बात मैंने आपको पहले भी बोली है और अभी दोबारा बोल रहा हूँ, आप ये याद रखें। और यहाँ से हम थोड़ा सा कलर वगैरह इसका चेक करते हैं कि हमें किस हिसाब से पिक बनानी चाहिए, इस पर कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ग्रीन ग्रीन इसकी शेड पे आ रहा है, आप देखें शेड पे। तो अभी हम चेक करते हैं अगर आगे से हम से इसको सेट कर पाए, वरना हम पूरा ग्रीन कलर रिमूव कर देंगे। तो हम इधर आ गए, इधर से इसका अमाउंट आप फ्रेम वगैरह दे सकते हैं, शाइनिंग ला सकते हैं पिक में, थोड़ा सा हाई क्वालिटी आपकी पिक बनेगी। और आप ये पिकों से अर्निंग भी कर सकते हैं। आप फेसबुक पे अपना पेज बनाए, फाइवर पे अपना एड लगाए, वहाँ पे $5 $10 में आप पिकें सेंड कर सकते हैं। और फेसबुक पे आप दिन के 200-250 रुपये उससे कमा सकते हैं, 500 रुपये कभी 1000 भी आप कमा सकते हैं। बस ये आप बंदे को काम अच्छा करके देंगे तो वो आपसे ऑडिट करवाएंगे, तो वो आपको पैसे ऐसे नहीं देगा। आप उसको अच्छी चीज़ देंगे तो वो आपको पैसे देगा। तो यहाँ पे ग्रीन अच्छा नहीं लग रहा तो मैंने पूरा ग्रीन निकाल दिया। तो मैं थोड़ा प्लस करके देखूँगी, देखें शेड पे आ रहा है इसकी, तो मैं शेड से हटा के पूरा ख़त्म करने के लिए इसका पूरा ग्रीन कलर ही रिमूव कर देता हूँ मैं। जो कैमरा फिल्टर की यहाँ पे लोडिंग हो रही है, ये जैसी ख़त्म होगी तो आप देखें पिक कितनी अच्छी हमारी शाइनिंग तैयार हुई है। हाई पास आप लाजमी लगाएं क्योंकि हाई पास बहुत काम आता है पिक को एडिट करने के लिए। देखें यहाँ पे हमारी पूरी रेडी हो गई है। आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।